हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ फहीम और आज फरवरी का महीना है 2023। ये वही महीना है जिस महीने में दिव्या भारती जी ने जन्म लिया था 25 फरवरी को। और आज मैं यहाँ पर आया, तुलसी अपार्टमेंट के बाहर खड़ा हुआ हूँ, गेट के बाहर। ये जो आप पेड़ देख रहे हो, तुलसी अपार्टमेंट में जो मेरे ऊपर खड़ा हुआ है, और उनका घर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और बहुत दिल से दिखाना चाहता हूँ। जितनी कोशिश करता हूँ, सारी कोशिशें मेरी फेल हो जाती है, अंदर जाने ही नहीं मिलता है मुझे। लेकिन ये जो आप मेरे बाजू में एक झोपड़ा देख रहे हो, ये झोपड़ा जिस आंटी जी का है, उनसे बात हुई मेरी। वो बताई कि जब ये बिल्डिंग बनी भी नहीं थी, करीब 40 साल पहले से वो यहाँ पर रह रही हैं। पहले वो बिल्डिंग की जगह में रहती थी, लेकिन बिल्डर ने उनको बाहर यहाँ पर, मतलब बिल्डिंग के अंदर जगह नहीं दे पाए, और ये अभी बाहर रह रही हैं। इनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई। मैंने इनसे पूछा कि क्या आप दिव्या भारती को जानती थी? बोलती बहुत अच्छे से जानती थी, बहुत ही अच्छी लड़की थी वो, नंगे पैर ही बिना चप्पलों के भी बाहर आ जाती थी। इनकी कुछ बेटी थी, उनसे भी बात करती थी। आज हम उनसे ही बात करने के लिए आए हैं और उनसे भी बात करेंगे और उनके बारे में जानेंगे और आपको बताएंगे। दोस्तों, आज मुझे कोई पहली बार ऐसा इंसान मिला जो इन्होंने अपनी आंखों से दिव्या भारती जी को देखा था। इंसान तो और भी मिले हैं, उनसे मेरी बात नहीं हुई थी। दिनेश सिंह जी से भी मैं दोबारा मिलूँगा दिव्या भारती जी के लिए। तो अभी उनको, वो यहाँ पे कपड़े धोने का काम करती हैं, इस्त्री वगैरह का कपड़े देने गई हुई है। वहाँ जाएंगे तो उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, और तब तक मैं यहाँ पे रुका रहता हूँ। वापस आ जाए, ऐसा होगा अब न दोबारा। अभी आएगा वो बड़बड़ करेगा भाई। ये अब एक मिनट उनको बोल देना, खाली एक चीज पूछूंगा भाई, खाने का पैसा मैं दे दूं? अच्छा चलो, नमस्ते कर लेता हूँ, बाहर तो आ जाओ एक मिनट, चले जाता हूँ आपको नमस्ते करके। आपने जितना बताया उतना ही काफ़ी है, फिर कभी मिलेगी नहीं मिले क्या मालूम। हाँ हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, आप आ जाओ एक मिनट बाहर, खाली नमस्ते कर लेता हूँ, मैं निकल जाता हूँ। मैं भी आपके बेटे के जैसा ही हूँ आंटी जी। अरे हो क्या आंटी, बाहर आ जाओ ना एक मिनट, अगर नमस्ते कर लेता हूँ मैं, आपसे बात नहीं करूँगा ज़्यादा, आ जाओ। बस आपको नमस्ते करके मैं निकल रहा हूँ, आप ये आंटी जी की बात से आपने जितना बताया वो भी बस आप बोल देते तो अच्छा रहता, लेकिन कोई बात नहीं, आओ बैठो बेटा। दोस्तों, मैं अभी उधर था, वो तुलसी अपार्टमेंट के गेट के पास, और इधर आके सोचा आपसे थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ और फिर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। एक्चुअली दोस्तों, क्या है, मेरी आवाज़ भी आपको आज कम आ रही होगी, बहुत टाइम से मेरी तबीयत ख़राब है, आवाज़ नहीं निकल रही है मेरी, और मैं कॉलेज में लेक्चर लेता हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, शायद आवाज़ इसी वजह से ठीक नहीं हो पा रही है, क्योंकि आवाज़ भी ख़राब है और मैं कंटिन्यू लेक्चर लेता हूँ, मैं दो तीन जगह पढ़ाता हूँ, लेक्चर लेता हूँ, लेकिन बहुत टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, लेकिन आज मैं वीडियो बनाने आया दोस्तों, बिकॉज़ यार ये जो महीना है ना फरवरी, ये वो महीना है जिस महीने में दिव्या भारती जी ने जन्म लिया था। 25 फरवरी को उनका जन्म हुआ था और आज मैं वहाँ पहुँचा जहाँ पर उनकी डेथ हुई थी। दोस्तों, अब बिल्डिंग के अंदर जाने की मैंने बहुत कोशिश की, वॉचमैन से भी बात की और अंदर की भी, लेकिन वो वॉचमैन भी बहुत अच्छा लड़का है, बोलता है कि भाई क्या करूँ मैं, इन लोग अंदर जाने ही नहीं देते, अलाउड ही नहीं करते, कुछ भी कर लो अलाउड ही नहीं करते हैं। पता नहीं कैसी मैडम है यार, अगर नहीं तो किसी दूसरे आदमी से प्यार मोहब्बत से बात की जाए तो कभी कभी लोग समझ लेते हैं। उनको मालूम भी है कि कितने सारे लोग हैं दिव्या भारती के चाहने वाले, जो उनसे मिलना चाहते हैं, जो उनकी वो जगह देखना चाहते हैं जहाँ पर वो रहती थी, जहाँ से वो गिरी थी, उनका बेडरूम, उनका किचन, और उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें।
चलो वो तो सब ठीक है, वो मैं आपको नहीं दिखा पाया, लेकिन बाजू में वो बिल्डिंग के बाहर ही एक आंटी रहती हैं, ये जो झोपड़ा आप देख रहे हो ये आंटी जी का झोपड़ा है। वो उन्होंने बताया, मेरा कैमरा चालू नहीं था, मैं भी क्या करूँ यार, नसीब देखो, कैमरा ऑन द स्पॉट कैसे चालू कर सकता हूँ बिना किसी की परमिशन के। मैं बोला आंटी जी आप यहाँ पे कब से रह रही हो, बोलती है ये बिल्डिंग नहीं बनी थी, मैं जब से रह रही हूँ यहाँ पे 40 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पे रह रह के, बिल्डर ने मुझे बोला था कि मैं अंदर घर दूंगा और बिल्डिंग के बाहर मुझे छोड़ दिया, और मैं बिल्डिंग के बाहर ही उन्होंने अपना जगह संभाल के रखी है लेकिन बिल्डिंग के अंदर नहीं रहती है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कभी दिव्या भारती जी से मिली थी, बोलती मिली थी, मेरे आदमी उनका कपड़ा बना के देते थे, मतलब इस्तरी वगैरह करके देने का, धोने का उनके घर का, लेकिन और उनकी यू नो सिर्फ डेथ से 4 दिन पहले ही वो उनकी जो आंटी जी हैं उनकी बेटी से मिलने आई थी, और दो उनकी बेटी से उनसे मिल के गई थी 4 दिन पहले, उन्होंने मुझे ऐसा बताया। और उसके बाद तो वो जो उनके हस्बैंड से उनकी अच्छी खासी बात थी, बोलती बहुत ही अच्छी लड़की थी कि पैरों में चप्पल भी नहीं पहनती थी, ऐसे ही बाहर आ जाती थी। सोचो एक इतनी बड़ी स्टार, एक इतनी अच्छी एक्ट्रेस जो जिनके अंदर इतनी लॉयलिटी थी कि वो एक मेड के बच्चों से मिलने आ जाती थी, उनकी लड़कियों से मिलने आ जाती थी और नंगे पैर ही आ जाती थी, ऐसा बता रही थी। तो यार फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये सारी बातें आपके सामने हो जाए। तो जैसे मैंने उनको बोला कि आंटी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं आपके जुबान से, अगर आप बताएं, क्योंकि आप वो औरत हो जिन्होंने दिव्या भारती जी को अपनी आंखों से देखा था यार, हम तो जब पैदा भी नहीं हुए थे। तो भाई बोलती नहीं नहीं मेरा वेट, मुझे तो अपना कपड़ा देने जाना है, किसी के घर बैठा हुआ हूँ और वहाँ पर जो आप वो झोपड़ा देख रहे हो, घर देख रहे हो, वो वही घर है जहाँ पर वो आंटी रहती हैं, पहले उनके हस्बैंड भी रहते थे लेकिन अभी फ़िलहाल वो नहीं है, उनसे हमारी बात हुई है, वो एक टाइम पर दिव्या भारती जी से मिली थी। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि बस इतना ही जानकर हमको ऐसा लगता है कि यार सच में वो एक अलग ही थी, क्योंकि इस दुनिया को बहुत सारे लोग छोड़ के जा चुके हैं लेकिन ऐसी फ़ैन फॉलोइंग, ऐसी मोहब्बत मैंने अभी तक किसी की नहीं देखी जो दिव्या भारती जी की थी। और आप भी बहुत अच्छे से जानते हो कि दिव्या भारती जी की जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, जब भी मैं इस एरिया से गुजरता हूँ, दोस्तों मैं इस एरिया से गुजरते रहता हूँ बार बार इधर उधर, लेकिन मैं हमेशा तो आपको नहीं बता सकता ना कि भाई ये वीडियो मैं क्या बताऊँ आपको वीडियो बना के, लेकिन जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ, कूपर हॉस्पिटल के पास से गुजरता हूँ, जूहू से गुजरता हूँ, वो मुझे हमेशा याद आती है। चलिए दोस्तों मैं निकलता हूँ यहाँ से, बहुत बार बहुत उम्मीदों के साथ आता हूँ और ऐसे ही यहाँ से मैं चले जाता हूँ, लेकिन चलो आज मेरी उनसे बात हुई, आंटी जी ने जो भी बताया उनके बारे में आप लोगों को नहीं सुना पाया लेकिन मैंने सुना, और जो मैं सुना आपको बताया भी हूँ। इन सारी बातों से मालूम पड़ा है कि सच में दिव्या भारती जी नेचर की बहुत ही अच्छी थी, वो बहुत ही अलग ही थी। और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और आपसे फिर मिलेंगे किसी और एक नई वीडियो में। दोस्तों अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। अभी उनसे रिलेटेड, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें और बहुत सारी मैं आपको जल्दी ही दिखाने वाला हूं। एक बार आप मेरे राइट साइड में ये बिल्डिंग दिखा दें दोस्तों, फिर से तुलसी अपार्टमेंट जहां पर दिव्या भारती जी रहती थी, और वो घर वो झोपड़ा भी दिखा दें जहां पर वो आंटी जी हैं, किसी वक्त ये आंटी जी ने उनसे बात की थी और उनके यू नो उनके कपड़े वगैरह का काम किया था, इस्त्री का काम किया था, लेकिन उन्होंने आंटी ने ये भी बताया मुझे मालूम कि बिल्डिंग वाले बहुत बेकार लोग हैं, किसी को जाने ही नहीं देते हैं, दोनों बिल्डिंग एकदम घमंडी टाइप के लोग हैं। लेकिन यार चलो समझ में आ रहा है, वो बिल्डिंग में रह रहे हैं, घमंडी लोग हैं, पता नहीं किस चीज़ का घमंड है उनको। लेकिन आंटी जी आप क्यों घमंडी हो, आपने मुझसे क्यों नहीं बात किया? चलो ठीक है, ज़्यादा बारे में बात नहीं करूँगा, उनकी मर्ज़ी है भाई, ज़्यादा किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों आंटी जी ने जो जो मुझे बताया, मैंने आपके साथ डिस्कस किया, उन्होंने बताया 4 दिन पहले वो उनकी बेटी से मिलने आई थी, नंगे पैर ही आ जाती थी बिना चप्पल के, एकदम चंचल थी, बहुत ही प्यारी थी। मैंने उनसे पूछा जब उनकी डेथ हुई थी आपने देखा था, बोलती रात का टाइम था, हम तो सो रहे थे, हमको तो सुबह में पता चला था। दोस्तों जब उनके बारे में बात होती है मेरा दिल बहुत इमोशनल हो जाता है और मैं बात भी नहीं कर पाता हूँ। आई लव यू दोस्तों, अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। जो भी दिखाया हूँ आपको पसंद आया होगा दिव्या भारती के बारे में 1% भी जानकर, तो मुझे बताना। अपना ख्याल रखें दोस्तों, लव यू गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ।